केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। सर, इस बार आपके चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? देखिए, हर एक कार्यक्रम का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है और मैं विगत 15 से 17 वर्षों से लगातार सामाजिक कार्यों में अनवरत जुटा हुआ हूँ। गरीबों और पिछड़ों और सहायों की समस्याओं को अपने स्तर पर हल करने का मैंने जो है काम किया। यहाँ महिलाओं का सीट आरक्षित है, इसलिए मेरी पत्नी किरण देवी रहती है चुनावी मैदान में और हम दोनों मिलकर सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं और वो भी 10 साल वार्ड सदस्य रह चुकी है, 5 वर्ष उप मुखिया के पद को भी सुशोभित किया है भली भांति और निर्विरोध रही है। तो जनता ने जितना भी प्यार दिया, उस प्यार से अभिभूत होकर मैं मुखिया का चुनाव का हौसला किया है। मेरा मुख्य चुनाव का जो एजेंडा है कि समग्र विकास के साथ न्याय का वादा, जो कि मैं करते आ रहा हूँ। समाज में जितने भी विकास से संबंधित बातें सरकार ने लिखी है या पंचायती राज अधिनियम में जो बातें कही गई है, जिसका जितना अध्ययन मेरे पास है, उनको समग्र रूप से मैं उतार कर और न्याय भी देने का कार्य करूंगा। साथ ही सबका साथ सबका विकास, हर पिछले बैठे लोगों को मैं पहले देखता हूं, जो मेरे सबसे आगे बैठते हैं उन्हें मैं बाद में देखता हूं, मेरा ये फितरत में रहा है। पंचायत की मूलभूत समस्याएँ जितनी भी है, अभी भी जैसे मूलभूत समस्या क्या है कि हमारे पंचायत में मुखिया सरपंच आदि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और उनके साथ जो सह पदाधिकारी हैं, उनको बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो मैं सर्वप्रथम पंचायत सरकार भवन के लिए भी, सरकार से पहले भी मैं इसके लिए हर एक समय संघर्ष किया है और इस बार अगर हमारी जीत होती तो प्राथमिकता के आधार पर पंचायत सरकार भवन बनाने का काम करूँगा। और जो पंचायत में लोगों, जो स्थानीय लोगों, गरीबों के लिए जो खास करके स्कीम चलाती है सरकार, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर वृद्धा पेंशन आमजन योजना हो, इन सब में भी लूट खसोट है। तो मेरा ये वादा, मैंने एक सोचा है कि ऐसा चुनावी एजेंडा पब्लिक के हाथ में लिख कर मैं दूंगा कि कोई भी एक रुपये का जो है इस बीच में ना किसी से कोई ले सकता है, ना कोई पदाधिकारी उनसे ठगे और ना हम ठगने देंगे। क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि के रूप में अगर उभर कर आता हूँ तो हर समस्याओं का निदान करने के लिए तत्पर रहूँगा। और ये भी चाहूँगा सर कि हमारे पंचायत के जो लोग बहुत बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनकी ज़मीन से संबंधित समस्या है और हमारे जो है उनके जो विकास से संबंधित समस्या, जिनके लिए प्रखंड और जिला मुख्यालय का चक्कर काटते हैं, तो हर गांव में मैं जनता दरबार लगा करके और उस जनता के बीच में जा करके उनकी समस्याओं को विभागीय स्तर पर उनको अपडेट करूँगा और जो संबंधित पदाधिकारी होंगे उनसे अनुनय विनय और साथ ही साथ जो हमारे पद के अनुकूल जो दबाव बनाना होगा वो बना करके भी मैं जनता को अपने घर पर ही सेवा देने का कार्य करूंगा। आगे हर एक समस्या जिसके लिए लोग तड़पते हैं उनका भी निदान करने का हर संभव मैं प्रयास करूंगा सर। ये मेरा उद्देश्य तो मुख्यतः ही है। आइए, हो गए जी और बोला जाए। उद्देश्य में दूसरा उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री सात निश्चय, मुख्यमंत्री सात निश्चय का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो सरकार ने चलाया है ड्रीम प्रोजेक्ट, तो बहुत सारे कार्य हुए हैं लेकिन जितनी सरकारें दावा कर रही है उतना जो आपके पंचायत में पैसे वाले उम्मीदवार ज्यादा है, पैसे की बाहर लगा देते हैं, वोट खरीदते हैं, आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए सर, मुकाबला करने के लिए मेरे पास मेरा हथियार जो है सबसे बड़ा है कि मैंने जो कर्म और श्रम किया है विगत 15 वर्षों में वो मेरी ताकत है और जनता ने मुझे मैंडेट दे करके इस ताकत को और मजबूत कर दिया विगत
बहुत सारे 30-30 लाख रुपया खर्च करने वाले लोग भी हमसे पिछड़े रहे और भय बना रहा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे अभी है देश में, तो प्रधानमंत्री जी को मैं देखता हूँ कि एक चाय बेचने वाला आदमी देश के सर्वोच्च कुर्सी को धारण कर रहा है, उनके पास कोई बहुत बड़ा धन संपत्ति नहीं था, उन्होंने आज सुशोभित किया है, देश की सर्वोत्तम कुर्सी पर बैठे हुए हैं और देश के बहुत ढंग से चला रहे हैं, जो कि दुनिया में एक मिसाल कायम कर दिया मोदी जी ने। तो उन बातों को मैं भी आपके सामने जो बड़े बड़े धुरंधर आपके पंचायत में है, हम उनकी बात कर रहे हैं ना कि देश की, इन धुरंधरों से मुकाबला कैसे लेंगे और जनता आपको वोट क्यों देगी? जनता इस्तकार आलम को क्यों ना वोट दे, क्यों ना वीरेंद्र सिंह को वोट दे, जो आपको वोट देगी? आपकी अपनी क्या खूबियां हैं जो जनता आपके ऊपर फिदा होगा? अभी संबंधित जिन प्रत्याशियों का नाम आपने गिनाया सर, हाँ। वो जो है चुनावी मौसम के लोग हैं, हाँ। चुनाव की जब मौसम बयार चलती है तो वो लोग आते हैं, हाँ। चुनाव में वोट मांगने के लिए। लेकिन मैं 15 वर्ष से जनता के बीच अनवरत बिना निस्वार्थ भाव से, यहाँ तक कि अपने पॉकेट से भी धन खर्च करके, मैं वृद्धा पेंशन हो या फिर जो है इंदिरा आवास का हो या जो हमसे चल बन पड़ता है, लोगों के साथ रहता हूँ, लोगों को 10 रुपया मदद की जरूरत पड़ता है तो करता हूँ। और चुनाव के समय मुझे ये विश्वास है कि उन लोगों का आशीर्वाद मुझे पिछले बार ही मिला है और उससे भी अधिक मुझे मत पड़ा। अगर आप चुनाव जीतते तो 5 ऐसे काम गिनाइए जो जनता के लिए समर्पित होगा। जी काम है, सबसे पहला तो काम है कि शिक्षा और शैक्षणिक व्यवस्था का सुधार करूंगा मैं, जो कि हमारे विगत में कोई भी प्रत्याशी नहीं कर पाए। शिक्षण संस्थान जो सुदृढ़ नहीं है, अगर संस्थान सुदृढ़ है तो उसमें शिक्षक नियमित रूप से नहीं आ पाते हैं और उनको कोई लेखा जोखा या देखने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं है, अपने ही योजनाओं में वो मशगूल रहते हैं। चुनाव जीतते हैं तो आप क्या क्या करेंगे? पंचायत चुनाव जीतने के उपरांत हम जो है सबसे पहले तो जो अभी वर्तमान में मुखिया हैं उनके द्वारा जो कार्य अधूरा पड़ा हुआ है उनको पूर्ण करने का भरपूर प्रयास करूंगा, और जो पंचायत अंतर्गत जितने भी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित है, जैसे वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इन सब में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उनको सिरे से ख़त्म करने का काम करूँगा, बिचौलिए जो इसमें हावी हुए हैं उनको हटाने का प्रयास करूँगा, और गरीबों को अंतिम सीढ़ी में जो पैदान पर बचे हुए उनको लाभ दिलाने का मैं काम करूंगा। जनता से आप क्या चाहती है? जनता से हम चाहते हैं कि निष्पक्ष लोगों को वोट दें, जो आज धन लोलुप लोग जो आज पद के लिए खड़े हैं और फिर आज धन आपको दे करके भले आपको दिग्भ्रमित करेंगे, फिर वो आपकी खजाना जो सरकार जो आप भरते हैं जो आपको विकास के लिए देता है उसी खजाने को लूटने का काम करेंगे, इसलिए आप शिक्षित और समझदार लोगों को चुनें। आप जनता से क्या चाहते हैं? जनता से तो हम चाह रहे हैं कि हमें एक बार मौका दें और देखें कि किस प्रकार से निष्पक्ष भाव से हम काम किए हैं, पिछले भी आपने देखा है, और बढ़ चढ़ कर मैं काम करूंगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।